नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके चैनल ए के वी अकेडमी में। साथी आप सभी को बताया कि केवीएस के लाइव इंगेजमेंट टूर लगातार ले रहा हूँ आपके लिए। तो साथियों आज हमारे साथ में ये सर इनसे बात करेंगे। तो सर आपका शुभ नाम? मैं प्रांजल पटेल। प्रांजल पटेल, तो सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं बिहार से। आज ज़्यादातर बच्चे बिहार से, इसका क्या रीजन है सर? नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या कि रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिए गए हैं, तो जैसे जैसे रोल नंबर वाइज है तो एक्चुअली मैं जब वो साथ में आएंगे तो सेंटर में भी जैसे रोल नंबर वाइज बैठाया गया वैसे ही रिजल्ट दिया जाता है। तो आपका सेंटर कहाँ पड़ा था ये? मेरा पटना में ही। पटना में कौन से कॉलेज में? आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस, लाइक इन राजा बाजार। राजा बाजार। तो सर ये बताइए, तो आपने तैयारी कैसे करी थी? सेल्फ स्टडी क्योंकि मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स किया था, तो उसके साथ मैंने नोट्स बनाया और अच्छा तो रटते रहा। अच्छा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें एमलिस एंड बिलिस में रटने वाली चीज़ें होती है। हाँ, माइक चालू है। तो ये बताना सर, आपने इतने दिन जैसे आप यहाँ लगा आए तो डायरेक्ट आए थे या पहले स्टे करा था आपने? नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट आया फ्लाइट फ्लाइट से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। चलो तो फ्लाइट से पटना पे। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बहुत है पटना से सुविधा है। पटना हाई हवाई अड्डा हमारा यहाँ इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, यदि कोई बच्चा फ्लाइट से आना चाहे उनके लिए बता रहा हूँ। तो सर जैसे आप यहाँ से एंटर करें तो उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर है अंदर जाने का, ये बताइए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सारे सर कोऑपरेटिव है, वो सर आपको बताते जाते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने आप से करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो और गलती ही करेगा। जैसे पहले आप जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं जी जी, वो बहुत स्मूथली होता है। अगर आपके सारे पास सारे मतलब फोटो कॉपीज हैं, सारे ओरिजिनल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मतलब 10 से 15 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देख रहे हैं? सर आप मैट्रिक से देखे, अगर बैचलर्स तक आप किए हैं, BLIS तक, तो वहाँ तक। तो उसके बाद में जैसे आप अंदर गए तो उसके बाद में स्टार्टिंग से किस बात से या किस पॉइंट से स्टार्टिंग की? नहीं मतलब मैं इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। क्यों? एक्चुअली ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजंस। नहीं 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 सर, आपने देखो आप मुझे लगता है बता सकता हूँ। हाँ, तो जो ISPCS वाले भी आप बहुत बड़े बड़े संस्थान वाले इंटरव्यू देते हैं, बाहर आकर बताते हैं कि हमसे ये पूछेगा, तो ये तो बहुत छोटा छोटा एग्जाम है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हाँ वो दो चलो बेसिक है जो भी है। लाइक आप सबसे पहले तो बेसिक होता है कि इंट्रो दो, तो इंट्रो तो बेस्ट देना चाहिए जी, क्योंकि वो तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो उसके बाद में इंट्रो के बाद में सर, और वो आपको फिर आपका प्रैक्टिकल्स भी होते रहते हैं, जैसे कभी किसी को क्लासिफिकेशन करने के लिए दे दिए लाइब्रेरी का जी जी जी, कभी कैटलॉगिंग बनाने के लिए दे दिए, मतलब कुछ भी आप जो भी प्रैक्टिकल किए हो BLIS या MLIS में तो वो पूछ सकते हैं। ऐसा रंगनाथन सर के बारे में कुछ पूछा? नहीं, रंगनाथन नहीं, उनकी पुस्तक के बारे में। मैंने जो बायोडाटा में लिखा था उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। क्या लिखा था आपने बायोडाटा में, कुछ बता सको तो? लाइक मैंने जैसे अपनी हॉबीज के बारे में लिखा जी जी, तो मुझे पोइट्री लिखना पसंद है जी जी, तो पोइट्री सुनाइए, तो जी मैंने जी अपने से लिखा था 12 लाइन का, 16 लाइन का, इस टाइप का जो भी लिखता हूँ तो वो मुझे याद था तो मैंने सुनाया। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्ट लाइक बुक्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड अदर टाइप्स लाइक द सिंपल थिंग that we learn in the library science, that is encyclopedia, directories, etc. अच्छा, तो अब लास्ट में आपको कैसा फील हो रहा है इंटरव्यू देके? It was wonderful. कितने मार्क्स थे आपके? Sorry. मेरा था confidential. ये भी कोई इतनी मैं चल लेगी आपका पर्सनल, हम आपको पूछने गए थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हम आशा करेंगे आपको नंबर जुड़ा है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आपके लिए कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है।